बहुत सारा युवा वर्ग ऐसा है जिसने बीएड, जेबीटी, डीएलएड, बीटीसी इन सब में से कुछ भी किया हुआ है और आज के टाइम पर घर पे खाली बैठा हुआ है। डिग्री है उसके पास, बट उस डिग्री को किस तरीके से यूटिलाइज करके वो युवा अर्न कर सकता है, ये रास्ते वो नहीं जानता। कुछ ऐसे लोग हैं जो प्राइवेट स्कूल में टीचिंग कर रहे हैं। अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब लग गई है तो बल्ले बल्ले बात ही क्या है फिर, बट अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो मैं जानती हूं कि काम कितना ज्यादा करना पड़ता है और उसके रिटर्न, उसके एवज में जो आपको सैलरी दी जाती है वो आपके एक्सपेक्टेशंस पे खरी नहीं उतरती। चाहे आपने बीएड, डीएलएड, जेबीटी कितनी भी एफर्ट्स और कितनी भी अच्छी परसेंटेज से की हो, तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ ना एक ऐसा रास्ता लेके आई हूं, एक ऐसा बिजनेस प्लान लेके आई हूं कि अगर आपके पास ये सारी टीचर ट्रेनिंग रिलेटेड कोई भी, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा है, डिग्री है, तो आप खुद अपना एक ऐसा बिजनेस रन कर सकते हैं जिसके आप मालिक हो। और इन्वेस्टमेंट के नाम पर मैं कहती हूं कि आपको कुछ ज्यादा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है और बिल्कुल जेन्युइन तरीका है। अब तरीका क्या है आप लोग ध्यान से सुनिए। देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये बात कही जा रही है कि देश भर में जितने भी आंगनवाड़ी केंद्र हैं उन सभी आंगनवाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो अब आंगनवाड़ी केंद्र क्या होते हैं, पहले मैं आपको ये बता दूं कि वहां पर क्या होता है, किसी भी ग्रामीण परिवेश के जो 6 साल तक के बच्चे होते हैं, ठीक है, 6 साल तक के सभी बच्चे उसमें आंगनवाड़ी केंद्रों में एनरोल्ड होते हैं और उन्हें पोष्ट आहार, न्यूट्रिशन रिलेशन या फिर टीके वगैरह ये सब चीजें लगाई जाती है। बट अब ये जो स्कूल होते हैं वो जो प्रसिद्ध विद्यालय होते हैं, जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं, उन्हीं के साथ जुड़े हुए होते हैं, बट एजुकेशन के नाम पर यहां पर कुछ नहीं होता। तो गवर्नमेंट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 5+3+3+4 का फंडा लाया है और कहा गया है कि सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को जो पहले 5 साल होंगे उन पहले 5 साल में प्ले स्कूल जो है वो आंगनवाड़ी केंद्रों को बना दिया जाएगा, यानी पहले 5 साल बच्चा जो है वो आंगनवाड़ी केंद्रों में प्ले ग्रुप में पढ़ेगा। बट प्ले ग्रुप में पढ़ने के लिए जो टीचर्स की रिक्वायरमेंट होती है ना वो होती है एनटीटी, यानी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स अगर टीचर ने कर रखा है तभी वो इस सेक्टर में जो भी निकलने वाली वैकेंसीज होंगी वो उसमें अप्लाई कर सकता है। अब एनटीटी करने के लिए जो क्वालिफिकेशन आपको चाहिए, आपको सिर्फ और सिर्फ +2 होने चाहिए, यानी 12th पास होने चाहिए, ठीक है। अब इसमें जो ज्यादा स्कोप होता है एनटीटी में, यानी प्ले ग्रुप में जो टीचर्स बनाए जाते हैं वो फीमेल्स को बनाए जाते हैं, बट कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। और अभी गवर्नमेंट की तरफ से भी ऐसा नहीं है कि आने वाले टाइम में जो वैकेंसीज क्रिएट होंगी तो जैसे प्राइमरी लेवल में मेल और फीमेल दोनों जा सकते हैं, तो ऐसे ही इसमें भी हो सकता है कि दोनों के लिए रास्ते खोल दिए जाए। बट अब आपका, जिन लोगों ने बीएड, डीएलएड, बीटीसी, जेबीटी ये सब कर रखा है, उनका बिजनेस पर्सपेक्टिव क्या है, वो लोग अपना एंटिटी इंस्टीट्यूट जो है वो रन कर सकते हैं घर बैठे। घर में आपको किसी एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट, किसी फर्नीचर की आवश्यकता नहीं है। आपकी क्वालिफिकेशन आपके लिए जरूरी है कि आपको आता है कि छोटे बच्चों को किस तरीके से ट्रीट करते हैं, किस तरीके से पढ़ाते हैं, कि मात्र सिर्फ ये आने से मैं इंस्टीट्यूट कैसे रजिस्टर कर सकता हूं। भाई इंस्टीट्यूट रजिस्टर करने के लिए मुझे पता होना चाहिए इंस्टीट्यूट को कहां से एफिलिएट कराना है, पूरा कंटेंट, बुक्स, और उसके बाद जो रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट है ये एनसीटी का जिसके तहत गवर्नमेंट जॉब मिलेगी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, वो सर्टिफिकेट कैसे भाई मैं घर बैठे दे दूंगा। तो उसका भी रास्ता है, उसके लिए आप एक बहुत ही ट्रस्टवर्थी इंटरनेशनल वाइड में कहूंगी एक प्लेटफॉर्म है ईमैक्स, जिसके बारे में मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया। ईमैक्स एक ऐसा दुनिया की पृष्ठभूमि पर रिकॉग्नाइज्ड, चाहे आईएसओ से हो चाहे एनसीटी से हो, सेंटर है जो लगभग 2,900 सेंटर्स जो है ऑल ओवर इंडिया में रन कर रहा है। तो यहां पर ना आपको सिर्फ ईमैक्स के थ्रू एफिलिएशन लेना होगा और उसके बाद सारी जिम्मेदारी जो है वो ईमैक्स की हो जाती है। आपको रजिस्टर्ड, आपकी पूरी जो भी वेरिफिकेशन होगी वो, प्लस सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराना, कोर्स रिलेटेड एग्जाम्स कंडक्ट कराना, प्लस बुक्स प्रोवाइड कराना, और बुक्स को लेकर क्या है ई कंटेंट भी प्रोवाइड होता है कि जितने भी आपके जो स्टूडेंट्स होंगे सेंटर के उन्हें आने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है तो घर बैठे उन्हें सारा स्टडी मटेरियल जो है वो प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह सब कुछ ईमैक्स की जिम्मेदारी हो जाती है।
आप एक सेंटर जो है वो घर बैठे रन कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन बिजनेस प्लान है। मेरे आसपास के लोग जो इस चीज में इन्वॉल्व थे, जब मुझे इस चीज के बारे में जानकारी मिली और वो लोगों की अर्निंग मुझे इस चीज से पता लगी, और जेन्युइनली जब इतना स्कोप है इस चीज को लेकर, आने वाले समय में एंटिटी को लेकर बंपर वैकेंसीज, आप चाहे यूट्यूब देख लीजिए, न्यूज चैनल देख लीजिए, आपको सब जगह मिल जाएगा कि बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी 2023 तक आने वाली है। तो हर व्यक्ति जो है वो एंटिटी की तरफ जो है वो रुझान करने वाला है। तो भाई आप किस चीज का वेट कर रहे हैं? आप इस चीज पे सोच के देखिए कि आपका खुद का बिजनेस होगा अगर आप 10 स्टूडेंट्स भी इकट्ठे कर लेते हैं अपने आसपास के लोगों को, क्योंकि लोग खुद से एंटिटी करने जा रहे हैं ना। तो अगर आपके पास बिल्कुल उनके पास एंटिटी का जो इंस्टीट्यूट है वो उन्हें मिल जाता है, तो वो वहीं से करना चाहेंगे, क्योंकि वैल्यू और रिकॉग्निशन तो आपको ईमेक्स प्रोवाइड कर ही देगा कि हाँ आपने एक ब्रांड से जो है वो एंटिटी की है, जो आपकी चाहे इंडिया में चाहे इंडिया के बाहर दोनों जगह है वो इक्वली वैलिड होगी। तो लोग बिल्कुल कहते हैं कि अपनी सहूलियत चुनते हैं तो वो आपके पास आएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा, आप सभी ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास कोई भी टीचर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है और अपना खुद का बिजनेस रन करना चाहते हैं, वो ईमेल के थ्रू अपना इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं। साथ ही ऐसे सभी अभ्यर्थी जो अभी तक सोच रहे हैं कि एंटिटी करें ना करें, दिस द बेस्ट टाइम कि आप एंटिटी में 2 ईयर एंटिटी कोर्स में अपने आप को एनरोल कर दीजिए, और ऑलमोस्ट इसके सेशंस जो है इंडिविजुअली भी आप ईमेक्स के साथ अपना एंटिटी कोर्स जो है वो कर सकते हो। जितनी भी जानकारी ना मैं इकट्ठी कर पाई वो सब मैंने इकट्ठी करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि एंटिटी करना है आपको अपने छोटे बड़े किसी भाई बहन को जो प्लस टू है यार, उसे एंटिटी कराना चाहते हो, क्योंकि आप कोई भी कोर्स कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, एंटिटी आप उसके साथ साथ कर सकते हो। आप बीएड कर रहे हो उसके साथ भी एंटिटी कर सकते हो, और फीस बहुत ही नॉमिनल होती है। लगभग 2 साल में इसके आपके 20,000 रुपए ही इसमें खर्च होंगे, जो मैंने जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनसे इंक्वायरी करी है, जानकारी ली है। तो आपके सामने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, आप इन लोगों से कांटेक्ट कर लीजिए जो भी और आपके डाउट हो, क्योंकि जितनी नॉलेज मुझे थी वो मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दी है। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। और स्टिल अगर टीचर बनने को लेकर, सरकारी टीचर बनने को लेकर, या फिर टीचिंग टिप्स को लेकर आपके कोई भी डाउट हो, ऑनलाइन टीचिंग को लेकर अगर आपके कोई भी डाउट हो, तो इससे रिलेटेड टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मेरा कमेंट सेक्शन है आपके पास, आप अपने कमेंट्स जो है वो मेरे लिए छोड़ सकते हैं। डेफिनेटली आई विल ट्राई टू रिप्लाई देम, हमेशा कहती हूँ ना मैं आप लोगों से। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, और हाँ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस टीचिंग कम्युनिटी का पार्ट नहीं बने हो, तो पता नहीं क्यों किस बात का इंतजार करते रहते हैं आप लोग, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ बेल आइकन को दबा देना, तभी मेरी सारी लेटेस्ट जो वीडियोस है ना उनकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माय चैनल।